साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। साथियों, आज के इस आयोजन की एक और खास बात है, ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे।